क्या कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? अभी तो सवाल है, लेकिन जवाब मिल सकता है क्योंकि अटकलें काफी तेज हो गई हैं। कुछ ऐसे घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं, जिससे लग रहा है कि क्या बीजेपी की तरफ अब रुख कर रहे हैं कमलनाथ, ये भी सवाल है। लेकिन जो उनके बेटे कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उससे भी इस सवाल को बल मिलता है, ताकत मिलती है और बीजेपी के नेता भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। कैसे, आइए इस बुलेटिन में एक एक करके आपको पूरा घटनाक्रम भी समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बायो भी बदल दिया है। कहा जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के 10 विधायक भी बीजेपी में हो सकता है शामिल हो जाएं। एक तरफ कमलनाथ के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में, इसमें देखेंगे तो कांग्रेस का एक लोगो था, अच्छा भला बड़ा, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया था उनके बायो में कांग्रेस का जिक्र, लेकिन वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इन चर्चाओं को और भी ज़्यादा बल मिल रहा है और ज़्यादा ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि क्या अब नकुल नाथ अपने पिता कमलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के विधायक भी मध्य प्रदेश से जो संबंध रखते हैं वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। अब इसे देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो बायो है उसमें आप नकुल नाथ का प्रोफाइल देखिए, पहले का प्रोफाइल कुछ और था, अब का कुछ और। उसमें वैसे तो सब कुछ सेम है, फोटो भी सेम ही है, लेकिन उसमें कांग्रेस का जो जिक्र हुआ करता था अच्छा खासा, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये संकेत मिल रहे हैं। और कल की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो भी अपनी ओर से बहुत सकारात्मक तरीके से कमलनाथ के बारे में बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में तो ये चर्चाएं काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जो कि बता रही है कि हो सकता है कि कमलनाथ बीजेपी में अपने बेटे के साथ शामिल हो जाए। लेकिन फिर हम कहेंगे ये सवाल ये भी है, जो जो संकेत मिल रहे हैं राजनीतिक घटनाक्रम से वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता भी सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, उनकी फोटो के साथ, जय श्री राम लिखकर कमलनाथ की फोटो के साथ। उसके बाद भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी अटकलें हैं ही कि कमलनाथ अब बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखना कि आज शाम तक क्या खबर निकलकर सामने आती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और वहीं जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, बीडी शर्मा की, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कल क्या कहा था कमलनाथ को लेकर, एक बार वो सुनिए, उसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ खबरों में दम तो है। मैं कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है, तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। बीरेन जी, स्वागत है उनका। सरवन जी, यानी ये खुला एक ऑफर था बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश बीजेपी जब पॉजिटिव दिखाई देती है तो आलाकमान क्यों नहीं होगा, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है। अब देखने वाली बात है कि इतने बड़े वरिष्ठ नेताओं में शुमार कमलनाथ कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं, जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा।